चलो सर, कैसे हो आप सब लोग? भाई आज जो है ना बलिनो की तीसरी नहीं, हाँ चौथी सर्विस है भाई ये पेड़ वाली, ये रही अपनी गाड़ी। और अभी जो है ना ये 30,000 किलोमीटर चल गए, 30,700 किलोमीटर कुछ, तो अभी इसका सर्विस का टाइम आ गया। मैं कहा चलो सर्विस करा लेते हैं, और कंपनी से ही कराता भाई, मैं बाहर से नहीं करा रहा हूँ आपकी बार, क्योंकि एक्सटेंडेड वारंटी ऑलरेडी ले रखी है, वो भी अवॉइड हो जाएगी फिर यदि भाई ये करवा दी तो। ठीक है, तो उस चक्कर में ले आए, और अभी जो है ना भाई इन्होंने एस्टिमेट बनाया था 8,000 रुपये का टोटल, और वो मैंने 4,000 का कर दिया। अब बताता हूँ क्या क्या इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ा सर, क्या क्या मैंने हटवा दिया उसमें से, तो चलो करते हैं वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो देख लो, ये रही अपनी गाड़ी। वॉशिंग मैंने कराई नहीं, क्योंकि वॉशिंग के 2-2.5 घंटे अलग से ले रहे थे, क्योंकि वॉशिंग में लग रही है भाई लाइन। ठीक है, अभी जो है ये देखो एसी फिल्टर ये पड़ा, ये मैंने ऐड नहीं करवाया था, बट ये देखा तो भाई ये भी ख़त्म पड़ा है। मैं चलो भाई एसी भी कर दो, 590 का है, इस पर लग जाएगी 18% GST, तो वही है 100 रुपये और 690 का अपना एसी फिल्टर लगेगा। तो वॉशिंग भाई मैंने अभी कराई नहीं, ठीक है, तो वॉशिंग मैं कहा चलो छोड़ो आधे घंटे में, अभी सर्विस करा के दे देंगे। गाड़ी अपनी देख लो भाई, पूरी टनाटन साफ है, साफ भाई बाहर से है, अंदर से नहीं है साफ। ये देखो हालत देख रहे हो, तो ये घर जाके करा लेंगे, क्योंकि भाई इनकी जो वॉशिंग होती है ना कंपनी वालों की, ना ही कराओ तो बढ़िया है। एक तो ये पॉलिश चेप देते हैं हर जगह, ठीक है, तो कराने कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो ये डीपली बिल्कुल मिट्टी जा रखी है ना, इनको जाके भाई अपने घर पर करा लेंगे साफ। ये फिर घर पर भाई है एक आध घंटे का खुद का टाइम निकाल के आप कर सकते हो। अभी जिसके एक एयर फिल्टर चेंज होगा, एयर फिल्टर इसका 100-150 रुपये का कुछ, एयर फिल्टर 100-150 का नहीं भाई 390 का है, वो ऑयल फिल्टर है 100 रुपये वाला जो होता है अपना। सारी चीज़ें दिखाऊंगा क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। तो फिलहाल मैं जो है ना आपको वो पूरी लिस्ट दिखाता हूँ जो भाई अपन ने एस्टिमेट के टाइम पर बनाया। चलो भाई दिखाता हूँ आपको एक एक चीज़ क्या क्या काम होता है अपना। तो सबसे पहले भाई क्या डाल रहे हो ये? क्या भाई? ये तो एसी फिल्टर है ना अपना, इसकी शक्ल देखो और भाई उसके देखो, खत्म हो गया था वो। एक बार जो भाई मैं आपको ये पर्चा ही दिखा देता हूँ क्या क्या चीज अपन ने लगवाई है। तो ये देखो भाई, मैंने जो है भाई ये लेबर इनकी 2660 की 30% डिस्काउंट दे रहे थे, जीएम से बात करी 50% डिस्काउंट हो गया। उसके बाद भाई ये 1300 कुछ की पड़ेगी अपने को, उसके ऊपर भी फिर GST लगेगी भाई 18%। ठीक है, इंजन ऑयल है 1300 का, नॉर्मल डलवाना, कोई ज़रूरत नहीं है सिंथेटिक की। यदि कैप वगैरह है भाई आपकी तो आप डलवा सकते हो। ऑयल फिल्टर है 100 रुपये का, ड्रेन नट है जो नीचे लगता है अपना जिससे तेल वगैरह निकालते हैं ना इंजन का, वो है 100 रुपये का। एयर फिल्टर है 350 रुपये का। अब टोटल जो बने भाई वो बने अपने 4510, इसमें से फिर 50% डिस्काउंट आप हटा दो 1300 रुपये, तो बने थे कुछ 3100 कुछ। एंड उसमें फिर जो है ये एक एसी का फिल्टर जो ओवर ऐड हुआ है, तो टोटल जो मैं पे करूँगा ना वो करूँगा लगभग भाई 3700-3800, या फिर हाँ अभी एसी फिल्टर और हो गया ऐड तो 4200-4300 रुपये जो है अपना बिल बनेगा। और उसमें जो है अपनी भाई ये 30,000 वाली जो है ना ये हो जाएगी सर्विस। किलोमीटर और दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो। तो ये देखो भाई 30,000 चल गई है, 30,800 किलोमीटर चला दी हमने गाड़ी। अभी एक एक चीज़ ये हो जाएगी, और भाई जितना उसके ना अपनी आँखों के सामने सर्विस कराया करो, किसी पे ट्रस्ट करना भाई आज की डेट में वर्थ इट नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई आपकी गाड़ी की सर्विस कैसी हुई कैसी नहीं हुई। अभी तक तो मैंने प्रेम मोटर से कराई भाई, नेक्सा में तो ठीक ठाक जो है अच्छी खासी हो जाती है, बट पिक एंड ड्रॉप जब कराते हैं ना तो आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी सर्विस हुई भी है या फिर नहीं। ठीक है, तो अवॉइड ही करना भाई ये पिक ड्रॉप वाला सिस्टम। तो ये देखो अभी एयर फिल्टर लगेगा इसका, पूरा साफ कर रहा है भाई ढंग से, पूरा मस्त साफ करके उसके बाद लगेगा ये चकाचक। ये भाई 300-350 का कुछ अपना, अभी जो भाई टायर खोल दिए हैं तो अपनी पेड सर्विस में भाई ये टायर भी होते हैं इसके चेंज। ठीक है, यही नहीं है कि भाई बस तेल बदल दिया और ठीक है 1300 रुपये ले लिए तो ठीक है, ब्रेक वगैरह क्लीन हो जाएंगे। आपको भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई क्या जंग लगा पड़ा है, ये एग्जॉस्ट पाइप पता नहीं कौन सी पाइप है, फुल जंग लगा पड़ा है अंदर देखो, ऐसी क्वालिटी आ रही है भाई आजकल मारुति के लोहे की। ये देखो भाई सस्पेंशन, मैं सोचा लीक हो रहा है बट ये कह रहे हैं मॉइस्चर है, तो आप लोग बताओ ये मॉइस्चर है या फिर भाई लीक हो रहा है, क्या कुछ सिस्टम है। तो अभी डल रहा भाई तेल इसमें, इंजन ऑयल अपना कितना लीटर डलता है भाई? 3 लीटर 300 ग्राम, 3 लीटर 300 ग्राम है, नॉर्मल वाला है अपना। चलो भाई सर्विस हो चुकी है, और कितना टाइम लगा भाई? ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग गए। तभी जो है ना हवा लाइक जो है फिल की जा रही है, और ये जो नाइट्रोजन है नॉर्मल नहीं है,
तो यदि आपने पहले कभी नाइट्रोजन नहीं डलवाई ना, नॉर्मल डलवा रहे तो भाई खाली करवा लेना, उसके बाद डलवाना, तो जो इफेक्ट आपको दिखेगा। नाइट्रोजन में क्या है, गाड़ी एक तो जो है जल्दी से टायर गर्म नहीं होते, ठीक है, और नाइट्रोजन थोड़ी हल्की होती है, तो उससे क्या है ना, आपकी गाड़ी जो है एक अच्छी माइलेज देती है और अच्छी राइड क्वालिटी देती है। 29 जो है सेट करवा रखी है मैंने, तो 34-35 मत डलवाना भाई, वो फिर गाड़ी जो है बजा देती है। तो आपको अच्छे कम्फर्ट चाहिए ना एक आपको गाड़ी में, आपको लगे कि हाँ भाई गड्ढे में जाए तो गाड़ी ज़्यादा खड़खड़ ना करे, तो आप 29 तक डालो, 28-29 सबसे बेस्ट है। ये देखो आप पीछे वाले टायर में मेरे में इतनी हवा हो रखी थी, 35 के करीब जा रखी थी, तो अपने आप भी बढ़ जाती है। कई बार जब आप हाईवे पे लॉन्ग राइड पे चले जाते हैं ना, तो हवा जो है ना अपने आप भी बढ़ जाती है। तो भाई ये आ गया बिल 4191 का। तो भाई हो गई है सर्विस, ठीक है, 4191 कुछ जो है, लाइक 4200 रुपए के लगभग जो अपनी सर्विस हो गई है भाई, बहुत सही होगी कंपनी से, वरना जब आप जाओगे ना तो एक बार तो फटी फटी रह जाएंगे आपके आके, क्योंकि ऐसा एस्टिमेट ही ऐसा बना के देंगे ना आपको, फिर आप जो है ना उसमें से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज सारी हटवा दो, जब तक गाड़ी में आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही ना, और जबरदस्ती कोई चीज ऐड ऑन कर रहे हैं भाई मत लगवाओ, ठीक है, कोई भी मत लगाओ फालतू की चीज। मैंने जो चीज लगाई मैंने आपको दिखा दी भाई, ये चीज मैंने लगवाई है, ठीक है, फालतू की चीज सारी हटवा दी थी मैं भाई, मत लगाओ फालतू कोई भी चीज, तो क्या ना ठीक ठाक आ जाता। और उसके बाद भाई 30% डिस्काउंट दे रहे थे लेबर पे, फिर GMEM से बात करी, उसके बाद जाके 50% हुआ, तो भाई इनके हाथ में होता है, आप लोग करा सकते हो थोड़ा बहुत डिस्काउंट, बाकी जो है यार हर जगह का अलग अलग होता है, 30% तो है ही मिनिमम, इतना डिस्काउंट तो आपको देंगे लेबर पे वो लाइक 800-900 रुपए का, तो बाकी 18% जो GST होते हैं ना वो खा जाते हैं आदमी को। तो चलो यार ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो थी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और सर्विस एक्सपीरियंस ठीक था, आधे पौने घंटे में करके दे दी थी। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।